बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्रोनी पास्ता। मैक्रोनी पास्ता बनाने के लिए मैंने 125 ग्राम मैक्रोनीस ली और उसे मैंने हसब ज़रूरत पानी और हसब जायका नमक और एक चम्मच डालकर अच्छी तरह से उबाल लिया है। ये देखिए अच्छी तरह से ये गल गई है, ये देखिए अच्छी तरह से गल गई है। और मैंने लिया है एक कप चीज़, एक गिलास लिया है मैंने मिल्क, एक चम्मच लिया है बटर, एक चम्मच लिया है मैंने रेड चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच लिया है मैंने ब्लैक पेपर कुटा हुआ बारीक, और मैंने लिया है गार्लिक कद्दूकस एक चम्मच, मिक्स हर्ब्स लिया है मैंने एक चौथाई चम्मच, कोरिएंडर लीव्स लिए हैं मैंने कुछ आधी प्याली। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरी रेसिपी देखें तो ज़रूर ज़रूर ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, हम सबसे पहले डालेंगे एक चम्मच बटर बर्तन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बटर में हम डाल देंगे कद्दूकस गार्लिक, डाला एक चम्मच बटर, फिर मैंने डाला एक चम्मच कद्दूकस गार्लिक और इसे हमने हल्का सौते कर लेना है। ये देखें, अब इसी में हमने डाल लेना है, अगर ज़रूरत होगी तो हम पूरा ग्लास दूध डालेंगे, नहीं तो हमने आधा डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आधा ग्लास डालेंगे हम दूध मिल्क, और इसी में हमने डाल लेना है चीज़। चीज़ हमने अच्छी तरह से मेल्ट करनी है मिल्क में। चीज़ डालकर हमने दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये बन रहा है चीज़ सॉस। हमें आधा गिलास दूध डाला है मैंने, और दूध की ज़रूरत नहीं है हमें इसमें। और इसी में हमने डाल लेना है ये कुटी हुई काली मिर्च ब्लैक पेपर, इसी में हम डाल लेंगे ये मिक्स हर्ब्स एक चौथाई चम्मच, और इसी में हमने डाल लेना है रेड चिली फ्लेक्स, और इसे हमने हल्का हल्का चलाते रहना है। ओके, इसे चलाते हुए एक से दो मिनट हो गए हैं। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा कोरिएंडर लीव्स, और इसे डालकर भी हमने हल्का मिक्स कर लेना है इसमें। अब इसमें हम डाल देंगे मैक्रोनी जो हमने बॉईल करके रखा हुआ है, ये देखिए ये डाल लेंगे हम इसमें मैक्रोनी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इसे हमने एक से दो मिनट तक पकने देना है। ओके, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, पास्ता विद चीज़ सॉस बनकर तैयार है। आप लोग घर पर ज़रूर ज़रूर बनाएं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनता है। मैंने थोड़ा कोरिएंडर लीव इसको ऊपर से और डाल दिया है, ये देखें, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनता है। आप लोग मेरी रेसिपी देखें तो घर पर ज़रूर ज़रूर बनाएं। ओके, अब इसे हम करेंगे सर्व। इसे पकते हुए दो से तीन मिनट हो गए। ओके, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, पास्ता विद चीज़ सॉस बनकर तैयार है। आप लोग देखें तो घर पर ज़रूर ज़रूर बनाएं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनता है। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें।
अल्लाह हाफिज़।